कहानी संग्रह अरेवा परेवा की भूमिका का एक अंश, लेकिन यह भी एक सच है कि हाशिया हमेशा केंद्र से बड़ा होता आया है, बड़ा, बृहत्तर और व्यापक। संसार के हाशिए में बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है और अपना जीवन बिताती है। मेरी कहानियों की लोकप्रियता और शक्ति का मुख्य आधार शायद यही तथ्य है। मेरी कहानियाँ जब छपती हैं तो पाठकों के बहुत सारे पत्र और कई फ़ोन आते हैं। ये पत्र उन लोगों के होते हैं जो अपने समय के यथार्थ और उसकी तमाम सत्ताओं का दबाव अपने रोज़मर्रा के जीवन में अनुभव कर रहे होते हैं। हर रोज़ जन्म लेती और फिर मिटती उम्मीदों, अन्याय और विपत्तियों के सामने कभी जीतती कभी हारती कोशिशों, अपने चारों ओर मौजूद विद्रूप से घबरा कर किसी स्वप्न की ओर भागते और फिर वहाँ किसी दुस्वप्न में जाकर वापस जीवन और यथार्थ की ओर दौड़ लगाते हुए लोग, बेरोजगार युवा, अतीत की एब्सर्ड स्मृतियों में डूबे अकेले बूढ़े, भरपूर शिक्षा, योग्यता और प्रतिभा के बावजूद इस भ्रष्ट तंत्र के द्वारा नौकरियों से वंचित, भीतर किसी बेचैनी, सामाजिक परिवर्तन की किसी धुंधली सी उम्मीद में किसी नशे, अध्यात्म या फिर किसी राजनीतिक सामाजिक संगठन से जुड़े बर्बाद व्याकुल युवा, कुछ ऐसे लोग भी जो अपने समय और यथार्थ को ठीक ठीक जानना और समझना चाहते हैं और उनके भीतर अब तक तैयार शुदा जवाबों और इतिहास के हवालों के प्रति कोई गहरा विश्वास नहीं है। यहाँ पर पॉल वेलरी का एक कथन याद आता है कि मनुष्य के विचारों का समूचा इतिहास और कुछ नहीं, अनगिनत दुस्वप्नों का छोटा मोटा खेल भर है। ऐसे जादू और मामूली खेल जिनकी परिणतियाँ बहुत बड़ी होती हैं, जबकि इसके ठीक उलट हम नींद में छोटी और मामूली परिणतियाँ वाले लेकिन बड़े और डरावने दुस्वप्नों से होकर गुजरते हैं। मेरी कहानियों में ऐसे दुस्वप्नों, जागरण और जीवन के अनगिनत खेल हैं जिन्हें मेरे समय के पाठकों की बहुत बड़ी संख्या ने पसंद किया है। आलोचक अपनी किताबी भाषा में जिसे फैंटेसी कहते हैं, वह मेरी कहानी में किसी भी जीवन के दुस्वप्न और जागरण की परिणतियों का विवरण है।